नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सको एक्ट गुलाम हैदर की अदालत ने बुधवार को तिलैया डैम ओपी अंतर्गत बड़की धमराय निवासी कैलाश कुमार को 12 साल सशर्म कारावास एवं 15,000 जुर्माना की सजा सुनाई। वहीं जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसके अलावा न्यायाधीश ने आरोपी के विरुद्ध पॉक्सको सेक्शन 12 के तहत 3 साल की सजा एवं 5,000 रुपये का जुर्माना नहीं देने पर 4 माह की अतिरिक्त सजा सुनाने का फैसला सुनाया है। दोनों सजाएं साथ साथ चलती रहेगी। मामला तिलैया डैम ओपी अंतर्गत 2019 का है। थाना अंतर्गत 17 वर्षीय नाबालिग ने कैलाश कुमार के विरुद्ध दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था, जिसमें उसने कहा कि आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया एवं इसका वीडियो बनाकर उसके साथ ब्लैकमेलिंग करते हुए कई बार संबंध बनाया। पुलिस ने कांड को दर्ज होने के बाद अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साथ ही पीड़िता का मेडिकल टेस्ट कराते हुए अदालत में बयान दर्ज कराया था। अदालत में चली आ रही सुनवाई के दौरान कुल 7 गवाहों का परीक्षण कराया गया, जिसमें केस से जुड़े चिकित्सक आईओ सहित अन्य गवाह शामिल हैं। सत्र न्यायाधीश प्रथम के द्वारा एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आज फैसला सुनाया गया है। सर, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला है 2019 की घटना है। बड़की धमराई के दोनों लड़का और लड़की दोनों रहने वाले हैं और उसको बराबर छेड़छाड़ किए करता था। लड़का का नाम है कैलाश कुमार, जिसको आज प्रथम जिला सत्र न्यायाधीश ने सजा सुनाया है। और मामला है कि वो उसके साथ दुष्कर्म किया और बोलता था कि हम तुम्हारा वीडियो बना लिए हैं, इसको वायरल कर देंगे, यही कह करके उसके साथ 3-4 बार शारीरिक संबंध बनाया जबरदस्ती, जबकि लड़की की इच्छा नहीं थी। उस समय लड़की का उम्र 17 साल 9 महीना ही था। सर, किस एक्ट में सजा सुनाया गया है? हाँ, उसको सजा हुई है भादवी की धारा 376(1) में 12 साल की सशर्म कारावास और 15,000 रुपया फाइन, नहीं देने पर 1 साल की सजा दी जाएगी। इसके बाद पॉक्सो एक्ट के तहत सेक्शन 12 के अंतर्गत उसको 3 साल की सजा तथा 5,000 रुपया फाइन, फाइन नहीं देने पर 4 माह की अतिरिक्त सजा होगी। और अभियोजन द्वारा इस वाद में सभी गवाहों की, कुल 7 गवाहों की गवाही कराई गई, जिसमें अनुसंधानकर्ता और डॉक्टर भी शामिल हैं। और जितने भी गवाही हुए सभी कंटेस्टेड हुए, सपोर्ट किया घटना का, जिसके आधार पर न्यायालय में बहस हुई। बहस के दौरान मैंने कहा कि नहीं, इसको तो ब्लैकमेल करके इसके संतुष्टर्म किया गया है, कई बार किया गया है, इसलिए अभियुक्त को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। न्यायालय ने दोनों पक्षों का सुनने के बाद ये उसको 376(1) में 12 साल और पॉक्सो के सेक्शन 12 एक्ट सेक्शन में पॉक्सो एक्ट में 3 साल की सजा। किनकी अदालत है सर ये? जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम श्री गुलाम हैदर जी की अदालत में, की अदालत से ये फैसला सुनाया गया आज। नाबालिग के साथ इस तरह की दुष्कर्म की घटना में जो सजा है, ये अधिकतम है या कुछ भी कंसीडर करके सजा हुई है सर? अधिकतम तो नहीं है, कुछ कंसीडर किया गया है, इसलिए कम किया गया है। वैसे अधिकतम कितने की सजा है सर इसमें? अधिकतम तो अगर बोलिएगा तो आजीवन कारावास भी इसमें पॉक्सो एक्ट के तहत है जी, लेकिन चूंकि मामला उतना गंभीर नहीं था, हाँ, इसलिए इसको 12 साल की ही सजा की गई है। धन्यवाद।